हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ एक्सपीरियंस विद रीम, वेयर आई शेयर माय एक्सपीरियंसेस विद यू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर्स। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो हाय, माय नेम इज़ तहरीम और मैं इस चैनल पे जिंदगी और उसके झमेलों के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। सो टुडे आई ट्राइड टू डू माय मेकअप फॉर द फर्स्ट टाइम और दिस इज़ हाउ इट केम आउट। लेकिन अगर आप चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि हाउ द एक्सपीरियंस वॉज, तो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये वीडियो मैं आईफोन से शूट कर रही हूँ और आईफोन का ऐसा है कि मुंह जितना बदसूरत है ना, उससे एक्स्ट्रा बदसूरत करके दिखाता है। तो मेरा ये बदसूरत मुंह है और आई एम गोइंग टू ट्राई टू डू मेकअप ऑन माई सेल्फ टूडे, क्योंकि क्यों नहीं। और मुझे नहीं आता मेकअप करना और मैंने पहले किया हुआ है थोड़ा सा, जैसे उस वीडियो में मैंने ब्लश लगाया हुआ था, लिपस्टिक लगाई हुई थी। तो मुझे इन दोनों काम से भी कुछ नहीं आता, ये ऐसे ही मैंने मतलब तुक्के पे मारे थे। तो अभी मैं आई एम गोइंग टू ट्राई टू डू माय मेकअप और मुझे कुछ भी नहीं पता मेकअप का, मतलब कि 0, 1, 2, 3 कुछ भी नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपना मुंह धो लिया है और यस, धो लिया है मैंने अपना मुंह। अब इसको मॉइस्चराइज करेंगे। देखो, मैं आई हैव डन थोड़ा सा होमवर्क, इसलिए मुझे थोड़ा सा पता है कि क्या करना है। और थैंक्स टू शिवानी तनेजा दीदी, उनकी वजह से जो भी आया मुझे, क्योंकि उनकी वीडियोस देखी थी मैंने। एनीवेज, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉइस्चराइज करके, और उसके लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं अपनी बहन का सारा मेकअप उठा के लाई हूँ, तो मैं पॉन्ड्स लोशन मेरे पास पड़ी हुई है वो लगाऊंगी, तो मेरा मुँह मॉइस्चराइज हो जाएगा। पर ज़्यादा लोशन निकल जाए अगर, उसको क्या करते हो तुम लोग? मैं तो किसी ना किसी के मुंह पे से रगड़ा मार के आ जाती हूँ। ये हो गया हमारा मॉइस्चराइज। अब हम लगाएंगे फाउंडेशन। एक बार मैं फाउंडेशन लेने गई, अभी मेरे घर पे शादी थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा मेकअप ले लूँ। एक बार मैं फाउंडेशन लेने गई तो क्या हुआ, बेसिकली आई वेंट और उनके पास सारे वाइट शेड्स थे। मतलब कि डार्क लोग फाउंडेशन नहीं, मेकअप नहीं करते क्या? इतने वाइट शेड्स, ए मेरा शेड मिला ही नहीं। फिर मैंने हुक्सिया ब्यूटी वाला लिया, हुक्सिया ब्यूटी से ऐसी गंदी एकदम, क्या कहते हैं, स्मेल आती है। कभी तुम स्मेल करके देखना हुक्सिया ब्यूटी। अब मैं इसमें से कहाँ हूँ, ये दिस इज हुक्सिया ब्यूटी, इसमें से इतनी गंदी स्मेल आती है। अगर नहीं मिला तो इन दोनों को मैं रिवाज वाले को इसको मिक्स कर दूँगी, अगर वो नहीं मिला जो मैं ढूंढ रही हूँ तो इसमें होगा। ये बेसिकली इसकी कैप मतलब नहीं आती है, तो ये हमेशा गिरता रहता है। हम अपने बाल पीछे कर देते हैं ताकि बार बार तंग न करें। ये रही फाउंडेशन। मुझे नहीं पता कैसे लगाते इसको, सुना है कि यहाँ पे भी लगाना होता है, तो मैं लगा रही हूँ। हाथ पे क्यों मला इसको, यानी फेस हमेशा मेरे बालों पे लग जाता है। मतलब मैंने पहले भी एक बार फाउंडेशन लगाने की कोशिश की थी और तब भी मेरे बालों पे ही लगा था, अभी शादी के टाइम पे। फिर मैं अपनी बहन के पास गई, दीदी दीदी मुझे मेकअप करा दो,
इसको डैम्प करना होता है, बट डैम्प करके आई, मुझे पता है इसको डैम्प करना होता है। वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज डैम्प्ड नाउ, और अब हम इसको ऐसे ब्लेंड करेंगे। मुझे नहीं होता है ना, फिर मैं इसको ऐसे खींच, ऐसे निकल जाता है, पर मेरा मुझसे नहीं होता, फिर मैं इसको ऐसे ही करती हूँ। बाय द वे, ये मेकअप मेरा नहीं है, मेरी बहन का है। फिर से बालों पे लग गया। एनीवेज, मिरर पे देखना पड़ेगा व्हाट इज हैपनिंग इन जिंदगी। ऐसे हाथ नहीं दुखते, ऐसे मैंने वीडियोस देखी उनमें पूरा ऐसे फाउंडेशन कंसीलर से भर के फिर वैसे ऐसे करते, तो हाथ नहीं दुखते तुम्हारे? ये जो मैंने सीधा फाउंडेशन से स्टार्ट किया है, प्राइमर तो भूल ही गई मैं। एनी फेस, अब बगैर प्राइमर के मेकअप करेंगे। फाउंडेशन हो गया, इसके बाद हम लगाएंगे कंसीलर, जो कि ढूंढना होगा। इधर है, ये हो गई ब्लश, ये हो गया आई शेडो, ये हो गया वो ब्रॉन्जर, हाइलाइटर, जो भी एनी वेस। ये रहा, मिल गया। तो लेट्स कंसील पिगमेंटेड एरियाज पे कंसील करना होता है, मेरे को पता है। एनीवे, ये कंसीलर ही है ना, इधर क्यों लगाया मैंने? एनीवेज, बाल जब बाल कटवाने जाओ ना, तो जब वो बाल काट रही होती है ना, तो तुम भूत देखते हो, उसको देखो हंसी आती है। जब वो आधे बाल इधर होते हैं, आधे कट रहे होते हैं, तब बंदा भूत लगता है। मेकअप करते वक्त भी ऐसा ही है, बंदा भूत ही लग रहा होता है। इधर थोड़ा सा लगा हुआ है, इधर थोड़ा सा लगा हुआ है, इधर ब्लेंड हुआ हुआ है, इधर ब्लेंड नहीं हुआ हुआ। आई थिंक हो गया। अब आइए कॉम्पैक्ट पाउडर की, जो मैट फिनिश देगा। आई डोंट नो उसको इसका मतलब क्या होता है, पर ये मैट फिनिश देगा ऐसा मुझे बताया गया है। मैं इसको ब्रश से, ब्रश में ब्लश लगा हुआ है, ऐसे ही झाड़ देती हूँ। ऐसे झाड़ दिया। अब क्या करना होता है इसके बाद?
ब्लश लगाएंगे अब हम ब्लश लगाएंगे। एनीवेज हाउ, ऐसे डीप बातें करने का मूड हो रहा था मुझे, जैसे वो आंटी मतलब दीदियाँ वीडियोस में नहीं करती, मेकअप करते हुए डीप बातें करती हैं, मुझे भी वैसे करना था, लेकिन मेरे को डीप बातें नहीं आती हैं ना ही मेकअप आता है। तो एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए, वो एक इंग्लिश में कहते हैं कि चेस टू रैबिट्स नो चेस, मतलब वही ब्लश लगाते हैं इधर, ओके इधर और इधर, इधर ही लगाएंगे हम भी। अब इसको कम कैसे करूं, मुझे ऐसे ब्लश पसंद है जैसे चीक लाल हो गए। आजकल तो वो है जैसे कंसीलर की स्टिक आती है वैसे ब्लश की स्टिक आती है। एनीवेज इसको छुपाने के लिए क्या करना होता है, जैसे नहीं कुकिंग में आंटियों के पास टिप्स होती है, जैसे अगर ज़्यादा नमक पड़ गया हो तो आटे का पेड़ा बना के उसको डाल दो तो नमक कम हो जाता है। तो इसका क्या करना होता है, अगर कहीं पर फिश अप कर लो तो क्या करते हैं, मेरे को लगता है उस पर फाउंडेशन धोते हैं, तो मैं भी वही करूँगी। अब सही हुआ, आई थिंक अभी सही है। बाय द वे आई लाइनर लगाने का सोचने भी वाले नहीं हूँ मैं, मेरे को बिल्कुल नहीं आता है वो, आई शेडो भी नहीं आता है, लेकिन उसका नश्क मारेंगे। नश्क मतलब कि लाइक जब शिकल बिगड़ी भी हो उसको नश्क कहते हैं। अब जब ये हो गया है तो अब हम हाइलाइटर लगाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग ख़राब है, नहीं दिमाग नहीं ख़राब, मेरे को नहीं पता कि क्या करना होता है, इसलिए मैं हाइलाइटर लगाऊंगी। इधर ही लगाना होता है ना हाइलाइटर, ये नीचे लगाना होता है क्या मालूम, इसे दिख तो अच्छा रहे, अच्छा रहे कि मेरे हिसाब से अच्छा दिख रहा है। बस तो ये हो गया, आई मेकअप करते हैं। आई मेकअप मेरे को कुछ नहीं आता, मैं बस ये मेरे ना आईज की प्रॉब्लम है। देखो नॉर्मल लोग आंखें बंद करते हैं तो सही से स्ट्रेट बंद होती है, मेरी ऐसे यूँ पता नहीं अजीब बंद होती है, तो उस पर ना ही आई शेडो लगता है ना ही आई लाइनर लगता है। मैं इस तरफ देख रही हूँ लेकिन कैमरा इस तरफ है, मेरा दिमाग ख़राब है। लगाएंगे आई शेडो, कैसे लगाऊं आई शेडो ऐसे, ये देखो आईलिड सही से बंद ही नहीं होती है। खींच के करना पड़ रहा है, क्या हुआ इसका, कुछ हुआ, पर यहाँ पे ना लगे ऐसा क्या करना होता है, मतलब इसको साफ करना पड़ेगा। ये हो गया साफ, अब आई थिंक इट लुक्स गुड। एनीवेज अब हम लिपस्टिक लगाएंगे और ख़त्म हो जाएगा। यस, इसके आगे मैं और कुछ नहीं करने वाली, ये वाली लिपस्टिक बहुत रेड है, बहुत रेड है, बहुत रेड है, थोड़ी लाइट वाली लिपस्टिक। हो गई, वी आर
डन दोस्तों, वी आर डन। एंड दिस इज नॉट बैड एट ऑल दोस्तों, हमने कुछ तो किया है। दिस इज हाउ इट लुक्स, हमने कुछ तो किया है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ इसके लिए। मैं कल रात से ये वीडियो बनाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, उस टाइम पे तो क्या क्या सजेशंस आ रहे थे। अभी बात करने के लिए मुंह में लफ्ज नहीं आ रहे। दिस इज सो कूल, मेरा मुंह इतना प्यारा दिख रहा है दोस्तों। एनीवेज, अब ये खलारा जो हमने पाया है वो हम समेटेंगे, क्योंकि अगर मेरी बहन ने देख लिया कि हमने उसके मेकअप का खलारा पाया है तो वो हमें मार डालेगी। और ये आईफोन मेरा नहीं है, हरगिज नहीं है, वो भी उसी का है। तो हम ये खलारा समेटते हैं, फिर दो तीन रील्स बनाऊंगी।